हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति आई एम प्रीति योर होस्ट एंड एजुकेटर एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम द चैप्टर दिस इज यस चैप्टर थर्ड चैप्टर थर्ड की समरी हम करने जा रहे हैं डिस्कवरी सागा कॉन्टीन्यूस सो दिस इज द चैप्टर ऑफ होन बिल क्लास इलेवंथ के लिए है ये तो क्लास इलेवंथ की मेन जो रीडर सेक्शन है उसका थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इट्स नॉट मेंशन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बट हमने जो है लॉन्ग चैप्टर को ही फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया था तो लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या बताया था राजा जो टूट था उसकी डेथ कैसे होती है और उनकी डेथ जो है आ, वो भी कोई एक छोटी सी मतलब एक नॉर्मल जो घटना होती है काम जो आ, इंसीडेंट होता इस तरीके से नहीं था मतलब आ, काफ़ी शोर हुआ था उनके डेथ के टाइम पे <coughs> चलिए अब पढ़ते हैं उनकी लाइफ के बारे में तो एमिनोटो एमिनो अम, टैप एमिनो टैप थर्ड ये कौन थी ये थी टुट के फादर टुट्स फादर और ग्रैंड फादर तो यहाँ पर टुट के फादर और ग्रैंड फादर के बारे में बताया है कि एमिनो टैप जो थे वो उनके फादर थे टुट के फादर और वॉज़ अ पावरफुल फ़ेरा तो उनके जो फादर और ग्रैंड uh, फादर वो दोनों ही बहुत ही पावरफुल फ़ेरो रहे हैं फ़ेरा क्या होते हैं? जिप्ट के टाइम पे जो पुराने uh, राजा महाराजा थे पावरफुल uh, डेनेस्टी थे उनको फ़ेरो कहा जाता है हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेट्स एट द हाइट ऑफ द एटीन डेनेस्टी आ गोल्डन एज उन्होंने जो है एटीन uh, डेनास्टी के जो गोल्डन एज बोलते हैं जिसको जिस टाइम को उस uh, के चार डिकेड्स यानी चार uh, दशकों तक जो है लगातार शासन किया था हिज सन उनके बेटे थे एमिनो टैप फोर सक्सेडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजर्स पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट अब एनसी यानी पुराने इजिप्ट की बात करें हम तो पुराने इजिप्ट के टाइम पे जो है यानी इजिप्ट मतलब मिस्र तो एमिनोट फोर जो थे उसके बाद उनके जो है उत्तराधिकारी सक्सेडेड बने उसने क्या किया था उसने पूरा जो एनशियट इजिप्ट था उसकी हिस्ट्री में जो है बहुत ही काफ़ी स्ट्रेंज टाइम लेकर आए थे वो किस तरीके से द न्यू फेरोड द दर्सिव ऑफ एटन यानी जो नया जो फेरो बना था नया जो फराओ बने थे उसने एटन की पूजा को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया एटन उनके गुरु थे द सन यस सन डिस्क हिज नेम चेंटन एक 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 नेम भी बड़े अजीब अजीब से दे रखे हैं <laughs> ये मिसर के राजा थे सभी इजिप्ट किंग थे एक्ट हेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन मतलब उनको जो है उनका नाम बदल कर रख दिया गया था सर्वेंट ऑफ एटन आ, एटन के सर्वेंट के रूप में सेवक के रूप में एंड मूड द रिलीजियस कैपिटल और उनकी जो रिलीजियस यानी धार्मिक जो कैपिटल थी थीबस फ्रॉम तो ओल्ड सिटी ऑफ थीबस टू तो द न्यू सिटी ऑफ एथेनेटन तो उसको थीबस से चेंज करके नई जो सिटी थी एथेनेटन उसमें चेंज कर दिया था उसको कैपिटल बना दिया गया था इनका यस नोन नाउ एज अमेरना अब आज के टाइम में जो है उसको अमेरना के नाम से जाना जाता है अमेरना के नाम से वो फेमस है काफी यस ही फर्दर सोक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन और उसके बाद जो है एमन जो कि उनके मेन गोड माने जाते थे उस टाइम पे उसकी इन्होंने जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया उसको अब मेज़र गोड थे ये उनके स्मैशिंग हिज इमेजेस उसकी इमेजेस को इन्होंने जला दिया राख कर दिया एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और उनके जितने भी मंदिर थे उनको क्लोज करवा दिया अब पुराने देवता थे लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने उसकी जो भी मूर्तियाँ थी उनको जुलवा दिया गया मंदिरों को बंद कर दिया गया तो तो जितनी भी वहाँ पर कंट्री पीपल थे सभी जो है एक तरह से उन्होंने उन्हें इतना बुरा लगा था कि वहाँ पे एक जो है एक अटैकिंग वाला सिस्टम जो है बन गया था लोगों के बीच में इट मस्ट हैव बिन अ हो टाइम हॉरीफिक होता है टेरिबल तो बहुत ही भयानक समय रहा था ये उस टाइम पे सैड रे जॉनसन रे जॉनसन ने बताया था ये सब रे जॉनसन कौन थे वो डायरेक्टर थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर द साइट ऑफ एंस द फैमिली दैट हैड रूल्ड रूल्ड फोर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन वेंट अ लिटिल वैकी देखिए कहीं ना कहीं तो uh, किसी ना किसी को जो है आगे जाके उनकी फैमिली में इस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है तो उन्होंने गलत किया था तो इनके जो फैमिली थी वो काफ़ी सारे सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया लेकिन उसके बाद आखिर में इनका एंड हो गया था एकेनेटन जो है थोड़ा सा पागल हो गया था वैकी होता है पागल आफ्टर एकेनेटन अब एकेनेटन के बाद क्या हुआ एकेनेटन की डेथ के बाद अ रूलर नेम सेमैन खकरे सेमैन खकरे अपियर ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद ट्रेस यानी अखेनेटन की डेथ के बाद जो है ये नया जो किंग बताया इन्होंने सिमेंट खकरे ये एक जो है एक तरह से मिस्ट्रियस किंग बोल सकते हैं आप एक सबके सामने मिस्ट्रियस रूलर जो है सामने आया था और फिर बिना कोई हार्डिया ट्रेस मतलब इसका कोई दूर, दूर दूर तक ट्रेस नहीं था कोई नामो निशान नहीं रहा एकदम से गायब ही हो गया ये एंड देन अ वेरी यंग टूटन खाटन टुक द थ्रोन और फिर बहुत ही छोटी एज के जो टूटन खातेन थे उनको जो है थ्रोन मतलब उनका ताज दिया गया राजगद्दी पर बैठाया गया किंग टू आज ही वाइडली नोन टूडे जिनको जो है आज सभी टूटन खान खानों का ही जो है नाम जब वो छोटे थे तो टूट के नाम से उनको लोग जानते थे द बॉय किंग सून चेंज नेम और जो ये छोटा uh, मतलब एक टीज में ही इनकी डेथ हो गई थी तो जब इनको राजा बनाया गया तो इन्होंने अपना नाम बदलकर टूटन खामन रख दिया लिविंग इमेज ऑफ एमन जिसको एमन की लिविंग इमेज माना गया जाना गया एंड ओवर रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज ही रिंड ऋण मतलब होता है राज करना किसी प्लेस पर किसी जगह पर फॉर अबाउट नाइन ईयर्स एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली मतलब नौ साल तक ही वो जो है शासन कर पाए उसके बाद उनकी डेथ हो गई और बहुत ही कम एज या कम टाइम तक उन्होंने जो है रूल किया था अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है कि अचानक से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम एज में उनकी डेथ हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट यानी उनके भाग्य के बारे में उनकी आ, आ, जो है प्रसिद्धि के बारे में लोग अलग अलग जो है स्पेकुलेशंस स्पाकुले, होता है आइडिया लगाना आ, अटकले लगाना लगाते थे टुट इज़ वन मम्मी अमंग मतलब मैनी इन इजिप्ट की जो मम्मी थी मम्मी मतलब कि उसका जो आ, एक स्टैचू बनाया गया था वो इजिप्ट की बहुत सारी मम्मियों में से एक थी हाउ मैनी कितियों में से नो वन नोज कहीं नहीं जानता ये तो द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एंड इन्वेंट्री इन लेट टू थाउजेंड थ्री हेज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग मतलब आप बोल सकते कि टू थाउजेंड थ्री तक की बात बता रहे हैं ये वहाँ uh, जो है काउंटिंग स्टार्ट की गई थी तब तक लगभग छः सौ जो है मम्मीज़ की काउंटिंग हो चुकी थी और अभी काउंटिंग जारी है द नेक्स्ट फेज

उसमें इन सब का जो है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की तरफ से और इसके जो आ, आ, क्या बताया इनके सीमंस यस इनके जो डायरेक्टर थे स्कैनर थे सीमंस थे उनके द्वारा जो है उन्होंने जो दान में दी थी मतलब डोनेट की थी इस मशीन को डोनेट किया गया था पोर्टेबल सिटी स्कैनर जो लेकर आए थे और जो किंग टट की जो मनी मम्मी मन, थी वो पहली मम्मी थी जिससे जो है लाइफ और डेथ जिसकी लाइफ के बारे में और उनके डेथ के बारे में दोनों तरह से सिटी स्कैन किया गया था दोनों में ही जो है स्कैन किया गया था और इन uh, डेथ और uh, जो है मौत में आज इन लाइफ दोनों तरीके से मूविंग रेगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन उसके कंट्रीमैन यानी जितने भी देशवासी थे सबके सामने उसको रिप्रेजेंट किया गया था सिटी मशीन uh, यस अबाउट सिटी मशीन अब बता रहे हैं सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो यानी ये जो सिटी मशीन uh, थी पोर्टेबल इसमें स्कैन किया गया किंग टूट की मम्मी को हेड uh, से टो तक मतलब सिर से जो है पैर के अंगूठों तक क्रिएटिंग वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिजिटल एक्सरे इमेजेज इन क्रोस सेक्शन यानी सत्रह सौ जो है डिजिटल एक्सरे की इमेज क्रिएट किए गए इनके बारे में इनकी बॉडी के बारे में और अलग अलग सेक्शन से मतलब क्रोस सेक्शन कर करके इनके पार्ट से टट हार्ट स्कैन इन जीरो पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर स्लैसेज टू रजिस्टर टू इंट्रीग्रेट स्ट्रक्चर स्टिक्स एंड ईयर आर डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज विथ टूथ एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटोमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द वन गुड ऑफ अ ग्लाइडेड ब्रियल स्टैंड प्रोटेक्टेड फॉर सोलोंग तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो यस टुटके जो हैड का सी टी स्कैन किया गया था उसमें जीरो पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर के टुकड़ों को भी का भी किया गया था मतलब छोटे छोटे बॉडी हेड के जो है पार्ट्स को भी सिटी स्कैन किया गया था और मतलब जो भी वो चाहते थे कि रिज़ल्ट आए ना हर एक इमेज का वो बिल्कुल रिकॉर्ड के हिसाब से जो है प्रॉपर होना चाहिए और इससे क्या रिज़ल्ट मिला इसके रिजल्ट ये हुआ कि उससे जो है बहुत ही यूनिक एक डिटेल निकल कर आई सबके सामने उनकी जो बॉडी का इस प्रकार से जो है रेडियोलॉजी और एनाटोमी इस फोरेंसिक जो होता है एन एनाटोमी जो रिजल्ट बनाए गए थे उनके उनकी जांच पड़ताल की गई थी उनके पूरा जो ग्रुप था उन्होंने जो है जांच पड़ताल की थी तो जिसको जो है ये इनकी पूरी बॉडी जो बताई गई थी कि गोल्ड से यस गोल्ड से बनी हुई थी जिसको ये कहते हैं कि एक गोल्ड के पंखों वाले इस गोल्ड के पंख लगे हुए थे ऐसी कोई देवी मानते हैं ऐसे लोग कि गोल्ड की पंखों वाले किसी देवी ने इनको जो है इनकी बरियल को जो है अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ था काफ़ी सालों से द नाइट ऑफ द स्कैन तो कहते हैं जिस रात को स्कैन किया गया था वर्कमैन कैरेट फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स वो उसको उसके टोम से बॉक्स में लेकर आए थे Oh, I mean, like pal bearers, they climbed a ramp and flight of stairs into the thrilling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that, that had the scanner. Twenty minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The million-dollar scanner had quit. विकॉज ऑफ सैन इनर कूलर फैन कार्स ऑफ द फैरो जॉक डा गार्ड नर्वसली यस यहाँ पर बताया गया है कि जिस नाइट को इनका स्कैन किया गया था उसी रात को जो है इनको इनकी जो डेड बॉडी थी उसको पॉक्स में लेकर आया गया जहाँ इनका टोम बना हुआ है वहाँ से और जब वो इनको स्टेयर से ऊपर लेकर जा रहे थे तो रस्ते में जो है बहुत ज़्यादा एकदम से आधी तूफान आता है तो ऐसे रेत उड़ने लग जाता है और हाइड्रो लिक, लिफ्ट के द्वारा इनको जो है ट्रेलर में लेकर गए फिर इनका स्कैनर में रखा गया ट्वेंटी मिनट्स के बाद जो है दो आदमी बाहर आते हैं और तेज़ी से भाग एक ऑफिस में इनको लेकर गए और दो प्लास्टिक के फैन के साथ इनको वापस लेकर आए ठंडा करने वाले फ़ैन में जो है जो ठंडा करने वाला फ़ैन था इनके जो डेड बॉडी को ठंडा कर रहा था उसमें जो है डस्ट चली गई थी काफ़ी जो है रेट चला गया था जिसके कारण दस टेन लैख का जो डॉलर वाला स्कैनर था वो एकदम से टेन लैख डॉलर वाला स्कैनर बंद हो गया था इतना रेट चला गया था उसमें तो लोगों को कहने का मतलब है कि एक कार्ड ने जो है घबराते हुए ये जोक भी किया ये मजाक किया कि ये जो है ये फ्राओ का जो है कर्स है यानी पुराने टाइम में अभिशाप लगता था तो कहते हैं कि ये आ, कि, किंग टूट का जो है कर्स है कि उनकी जो है डेड बॉडी के साथ किसी ने छेड़खानी की है एवेंचुअली दब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर आखिर में जो है आ, ये सब्सटीट्यूट फैन का मतलब बदल दिए गए थे फैन इनका इन्होंने जो है आ, काम को अच्छे से फिनिश किया पूरा प्रोसीजर हुआ आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बिन लॉस्ट और उसके बाद कोई भी डाटा गुम नहीं हुआ द टेक्नीशियंस टर्न टॉट ओवर टू दर्कमैन जो भी टेक्नीशियंस थे उन्होंने टुट को काम करने वालों को सौंप दिया वो टुट की बॉडी के ऊपर वो कैरेड हिम बैक टू हिज टोम जो वापस उसको उसकी टोम तक लेकर गए लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमोट फ्राम हिज कोफिन और लगभग तीन घंटे से भी कम टाइम में फ्रह को दोबारा से जो है रेस्ट uh, पीस में मतलब रेस्टेड इन पीस का मतलब है दोबारा से शांति वाली जगह पर रख दिया गया था फाइनली प्रेस्ड हार्ड लेड हिम सो लॉन्ग एक् और जो दफन करने वाले जो इनके प्रेस्ट थे पुजारी थे जहाँ पर इनको जो है ले जाया गया था उनके साथ बैक इन द ट्रेलर अ पुल्ड अप एस्टोनिस इमेज ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन उसके बाद जो है ट्रेलर में वापस जो है टेक्नीसियंस uh, जो थे वो टुट को हैरान कर देने वाली यस yes, उसके बाद क्या होता है यस <coughs> yes. बैक इन द ट्रेलर आ टेक्नीन टेक्नीसियन पुल्ड अप एस्टोनिस इमेज ऑफ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन यानी वापस जो है ट्रेलर में एक टेक्नीसियन uh, था जिसने टूट के हैरान कर देने वाली जो है कुछ इमेज सामने रखी स्क्रीन पर अ ग्रे हैड ग्रे कलर का हैड टुक सेव फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स उसके uh, जो है पिक्सल्स मतलब छोटे छोटे अलग अलग आकार उसमें दिखाए गए कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड इन एवरी डायरेक्शन मतलब टिल्टेड मतलब घुमा घुमा के हर डायरेक्शन में उसको दिखाया गया था नेक वाटेब्रे अपियर एज क्लियरली एज क्लास अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड सेवरल व्यूज़ ऑफ़ द रिबकेस एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल यानी स्कल खोपड़ी होती है देखिए उसके अलग अलग पार्ट को ना अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन्स में उसको क्लियर दिखाया गया घुमाकर कहीं पर नेक की है कहीं रीढ़ की हड्डी की है जो उसको मतलब बिल्कुल जैसे साइंस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा तो एक, एक पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया दिखाया गया <coughs> आ, बट अब क्या था जो प्रेसर था वो ख़त्म हो चुका था अपने चेयर पर वापस जाते वक्त जो है जाही हवास यस yes, जाही हवा जो है स्माइल करते हैं आ, कहते हैं कि नथिंग हैड सीरियसली रोंग कुछ भी जो है गलत नहीं हुआ था बड़े ही शान थे वो अब ही सैड आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था काफ़ी वरिड हो गया था मैं लेकिन अब मैं आराम से जाकर सोऊंगा बाय द टाइम अब जो है एंडिंग टाइम आ गया था ये देखिए ये राजा टुट है हमारे कहते हैं कि अब जो है यस बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर हम जो है ट्रेलर से डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड बताते कि मेटल्स uh, की जो वहाँ स्टेयर्स बनी हुई थी वहाँ से ग्राउंड में आते हैं जहाँ पर उनका टोम बना हुआ था The wind had stopped. अब जो, है, जो तेज आंधी तूफान चल रहा था वो स्टोप हो गया था विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील अब हवाएं थी जो काफी ठंडी थी बट रुकी हुई थी like death itself. कि एक पीस वाली शांति वाली ऐसे ही हवाएं हो गई थी इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड यानी ये इसको वैली ऑफ डिपार्टेड बोला है जस्ट अबाउट ओरियन देखिए कहते कि एकदम से जो टुटके का जो टोम था वहाँ पर ओरियन बना हुआ था ओरियन जो बोलते कॉन्स्टेलेशन दर्ट द एंसियट इजिप्शियन न्यू जो पुराने इजिप्शियंस थे वो जानते हैं इसके बारे में द सोल ऑफ ओस उस, ओसिरस ओसिरस की आत्मा बोलते हैं सभी ओसीरस कौन है ये आ, आफ्टर डेथ जो गोड होते हैं शोल ऑफ अरस द गोड ऑफ द आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जो देवता हैं वॉचिंग ओवर द बॉय किंग कहते हैं कि वो जो है किंग टुट की डेथ के बाद इनकी डेथ डेड बॉडी को इनकी जो टोम है उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं हमेशा उसके ऊपर जो है पहरा देते रहते हैं इनको देखते रहते हैं हमेशा उन पर नज़र रखते हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ किंग टुट दस आगा कॉन्टीन्यूस नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आई होप होपफुली यस आप सबकी जो है प्रॉब्लम uh, मैंने सॉर्ट आउट की होगी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आपको समराइज़ करके जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ uh, आप देखते हैं मोस्ट ऑफ क्या है इन शॉर्ट आपको समरी करवाते हैं बट इजी वे टू लर्न विद प्रीति पे हम आपको समरी करवा रहे हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन समराइज करके नेक्स्ट uh, जो चैप्टर है हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ट्राई टू शेयर इट विद योर और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सो लेट्स मीट एंड नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय